एवरीवन, आप सब कैसे हो? करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बाहर आके बैठी हूँ। दीदी और मैं दोनों बैठे हैं। दीदी बातें कर रहे थे काफ़ी टाइम से, भी खाना बनाना है क्योंकि दीदी और मैं और रितिका जी और मम्मी है और इधर गुनू भी बैठी है पास में ही है। अभी खाना बनाना है। खाने में क्या बनाएंगे आज? गुनू बताए तेरे को क्या बनाएंगे? दाल बाटी आपको आपकी फेवरेट है? दाल बाटी सभी की फेवरेट है, तो आपको पता है राजस्थान में दाल बाटी फेवरेट है, तो राजस्थान तो दाल बाटी बनाएंगे। दाल दीदी बनाएगी, बाटी में बनूंगी मैं और काजू बनाएंगे। और कितने में दे रखा था आज? मायके में हमेशा भाभी जी बनाते हैं, वो है नहीं, वो कहीं हमारा कुछ फंक्शन है ना तो वहाँ चले गए, तो अभी हम अकेले हैं, हमें ही बनानी, सबको मिल के बनाना है, वरना भाभी बनाने नहीं देती, वो ही बनाते हैं। अभी चलते हैं अंदर, अभी आपको दिखाती हूँ दीदी का। ये दीदी बातें कर रहे हैं फोन पे। हाय कर लो दीदी, ये फोनों पे बातें कर रहे हैं। इनके ऑफिस से फोन आ गया था किसी का, और वो स्कूल बस रखी है सामने हमारे घर के बाहर ही रखते हैं। कौन सी स्कूल रखी है? विवेकानंद कुछ माध्यमिक विद्यालय रेल मगर की बस है स्कूल की। मैंने किया था। चलो अभी अंदर चलती हूँ मैं, खाने की तैयारी करते हैं, लेट हो जाएंगे। चलो ये सीटी इधर खेल रही है अपनी डॉल के साथ, ट्राई करो। यहाँ पे भी एक डॉल के साथ खेल रही है सीटी। तो गोनू क्या कर रहा है वो दिखाऊंगी आपको मैं। मम्मी अंदर है और ये रहा गोनू। गोनू हाय करो, चोनी चोनी हाय कर दो ना। ये खेल रहे विजी है गोनू, ये पता नहीं क्या खेल रहे हैं। देखते हैं काजू क्या कर रही है। काजू क्या कर रही है? इधर बर्तन साफ कर रही है ये। इसकी मम्मी चली गई तो ये कर रही है। अभी हम आए किचन में इसकी हेल्प करने के लिए। अब खाना बनाएंगे हम मिलके। काजू हम क्या बनाएंगे? मम तो बोल गया बनाएगी दाल बनाने का, उसने लिया है कि दाल मैं बनाऊंगी क्योंकि वो दाल टेस्टी बनाती है, तो बोली मैं बनाऊंगी, फिर वो दाल बनाएगी। किचन में आ गई देखने के लिए, इधर दाल निकाल के रख रखी है, इधर बिगो के रखा की है। अभी दीदी फोन पे बात कर लेंगे, उसके बाद दीदी आएंगी तो वही बनाएंगे। आज मैंने चेंज ही नहीं किया, पूरे दिन से सो रही हूँ। मैं सोचा सोएंगी तो भी चेंज कर लेंगे, और मैं साड़ी ही पहन रखी, साड़ी चेंज नहीं करी, वो वाली पहन रखी है। ये इधर फ्रिज में घुसी हुई है। दादी को देने, दादी बोल रहे टमाटर सस्ते हो गए। टमाटर सस्ते हो गए ये बोल रही है। क्या रेट है यहाँ पे? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो है यहाँ पे टमाटर। बोले टमाटर सस्ते हो गए, पहले टमाटर कोई खरीदते नहीं था। और ये कटिंग करके इसको दिखाती हूँ, हमेशा मैं खुद ही करती हूँ। दूसरा चलो ये कटिंग करके दे देंगे दीदी, जब तक बात करके आ जाएगी, फोन पे बात कर रही है तो। और वो कटिंग ये कटिंग कर लेगी। और दीदी आ गई है, चलो सब्जी बनाने के लिए आए, खाना बनाने के लिए फिर से बक गए। फोन आ गया तो, और मैंने तो चेंज ही नहीं किया, इन्होंने तो चेंज कर लिया है मेरा, अभी तक वही चल रही है। हमेशा ऐसे ही रहता है, मायके आने के बाद बस सो ही रहती हूँ मैं, कुछ नहीं करती हूँ, नहाना भी नहीं करती हूँ सही से। कौन कौन ऐसा करता है मायके में जाने के बाद? कमेंट्स करके जरूर बताना। मायके में जाने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता, अभी भी मजबूरी में आई, भाभी जी नहीं है तो मायके में मजबूरी में आई, किचन में मजबूरी में आई, क्योंकि हमारे खाना तो बनाना पड़ेगा ना। सभी हम प्रैंक ही रहते हैं, मिल बांट के करते हैं, काम ज्यादा होता रहता नहीं है। ऐसा नहीं कि भाभी कर रहे हैं, भाभी कर रहे हैं, भाभी को करने देते हैं, सब मिलके करते हैं। अभी बार बार आ रहे हैं दीदी, जा रहे हैं बात करते करते, हम किचन में उनका वेट कर रहे हैं दाल बनाने के लिए। हम आपका वेट कर रहे हैं आटा लगाने के लिए, बाटियां बनाओ। मेरा डिपार्टमेंट है बाटी बनाने का और इनका सीखने का, तो आटा लगा के देगी तुम्हें बना लूंगी मैं, लगा के दो आटा देगा। मैंने पहली बात कर दी, आटा तो लगा के देगी, बाटी में बनाऊंगी। आपने क्या कहा था? आटा छान के दे। काजी दीदी की बाटी का छान के दे। हां छान के दे बाटी में, आटा में लगा दूंगी। ठीक है, आटा में लगाऊं बाटी में? तो बाटी बनानी क्या? गुन्नू तू क्या करेगी? बाटी बनाएगी है क्या? बाटी बनाना आती? नहीं, मम्मी से बात करनी पड़ेगी। बाटी बनाना सिखाए तेरे को? आती आती है। मैं प्याज काट रही हूँ। दाल तेरी मम्मी बना रही है, कटिंग कर रही है, आटा छान के देगी। और फिर बहुत बच्ची हूँ। कौन सी बच्ची? बच्ची छोटी सी बच्ची है। दूध पीती हूँ मैं, दूध पीती हूँ।
आज किसी इसके दुख तो हम भी पीते थे, हम बच्चे हो गए कम तो खाएगा। चलो इन दोनों कटिंग करने के लिए छोड़ देते हैं, मैं चलती बातें करने के लिए। प्याज कट कर रहे हैं। सबसे टफ काम क्या होता है काजी? प्याज कट करना है ना? नहीं, खाना बनाना। खाना के प्याज कट करना भी तो सबसे टफ काम होता है। मेरे को तो प्याज कट करना। देखो उधर गोनू खेल रहा है, कोई की बातें खत्म नहीं हो रही है। जब बातें खत्म होगी उसके बाद खाना बनाएंगे। पापा चले गए बात करते करते बाद। क्या हुआ? अच्छा तब तो बस खाना बनाएगा। पीछे आ गए अभी बाड़े की तरफ, क्योंकि ये गाय है ना, इसको दूध निकालना। मुझे तो नहीं आता है दूध निकालना। और जो मेरी भतीजी है ना वो निकालेगी। लाइट नहीं है क्या? वो बड़ी मेले नहीं, तो वो दूध निकालेगी। आज भाभी ने बताया ना, भाभी नहीं है यहाँ पे, तो एक सेकेंड मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी दूध निकालते हुए। आता नहीं गाय वैसे का, और जो भतीजी है ना वो निकाल लेती है, क्योंकि उसको की मम्मी ने सिखाया। हमारी मम्मी ने हमें सिखाया नहीं था, हमारी मम्मी करती थी सारा कुछ। तो जैसे वो नहीं होते हैं ना कभी, तो वो निकाल देते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही है गाय वैसे, तो उसका थोड़ा सा छोटी है, थोड़ा सा निकाल देता है तो वही निकालते हैं। और दीदी बोल रही हम छोटी है, दीदी छोटी कुछ नहीं आता है। हमें कुछ नहीं आता है, हमें बस घर का काम आता है, क्लीनिंग वगैरह करना आती है, खाना बनाना आता है। तो अभी वो निकाल दिया उसने, वो आ रही है अभी चाय बनाएगी। और दीदी इधर दाल बना रही है। किचन में मेरे को सब्जी वगैरह दिख गई, रोटी वगैरह दिख गई। मैं सोचा थोड़ा सा खा लेती हूँ। ये करेले की सब्जी है, मॉर्निंग में बनाई थी करेले की सब्जी, और आलू गोभी सब्जी बनाई थी, ये दिख गई मेरे को। तो मैंने एक रोटी ले ली है, ये अभी की नहीं है। तो मुझे भूख लगने लगी खाना देखती, तो मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। लेके आ गई काजू, गर्म होने के लिए रख भी दिया इधर। इधर दाल का बताया था मैंने, मैं खाना खाने लग गई हूँ। सब बिजी है, किसी न किसी में, कोई फोन में बिजी है, कोई किस में बिजी है। खाना खाती नहीं, पर मुझे किचन में दिख गया ना, इसलिए मैं खाने लग गई हूँ। खाना बन गया, ये सब खाना खा रहे हैं, अच्छा पार्टी खा रहे हैं। इधर खाना बना के थक गए, इधर लौट रहे नीचे। खाना खाओ तो मोबाइल मिलेगा, नानी खाना खिला रही, खाना खाओ जल्दी। ये रखा है खाना। तो मम्मी
ये राइस रखे हैं, ये दाल, इसमें ये इधर बाटी रखी है, ये जल गई आधी तो क्योंकि बातें करने लगे थे सब किचन में। आँच रखी है, ये वो करेला, भिंडी भी है, और ये स्वीटी तो करेले की सब्जी नहीं लाई थी, आलू गोभी।